ओके स्टूडेंट्स, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वो एग्जांपल जिसमें हम एक 2D एरे इनपुट ले रहे हैं एरे में एज एन आर्ग्यूमेंट और एक 2D एरे ही रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो मेथड में पास किया वहां पे हमने क्या पास किया, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कॉलिंग हटा दी। मेन मेथड के अंदर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया A1 जो कि 2x2 का है, 2D एरे है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने 2 एरे डिक्लेयर किए, एक एरे 1 डिक्लेयर किया जो कि 2D एरे है, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह एक और एरे डिक्लेयर किया A2 जिसमें मेरे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसको इनपुट लेने के लिए मैंने 2 फॉर लूप लगाई और A1i j यानी कि 0,0, 0,1, 1,0 एंड 1,2 चार एलिमेंट्स ये इनपुट लेगा अकॉर्डिंग टू 2 नेस्टेड फॉर लूप। इसी तरह A1 में मैंने यूजर इनपुट लिया, इसी तरह मैं A2 में भी यूजर इनपुट लूंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम एरे वाला मेथड कॉल कर लेंगे और इस सम एरे के मेथड में जो कि अब एक फंक्शन है क्योंकि ये रिटर्न भी कर रहा है, यहाँ पे हम 2 चीज पास कर देंगे A1 और A2। ठीक है, जब भी एरे पास होगा एज एन आर्ग्यूमेंट तो वो सिंपल जस्ट वेरिएबल के नेम पास होंगे, यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं यूज होंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पे हम फंक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये फंक्शन 2 इंटीजर एरे इनपुट लेगा जो कि 2D एरे हैं, तो उसके लिए फिर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेथड के फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या बताई कि मेरे पास एक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम सम एरे है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सम 2D एरे। ठीक है, ये सम 2D एरे हो गया मेरे पास और इस 2D एरे को हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एरे का नाम क्या कर दिया, मैंने एरे का नाम कर दिया सम 2D एरे मेथड का नाम। ठीक है, ये 2D एरे का सम जनरेट कर रहा है और आगे मैंने क्या बता दिया कि ये फंक्शन क्या आर्गुमेंट लेगा, एक 2D एरे एर और एक और 2D एरे यानी कि 2 2D एरे और रिटर्न करेगा एक 2D एरे रिटर्न करेगा यानी कि जो 2D एरे 2 2D एरे इनपुट ले रहा है उसका सम जनरेट करेगा, एक 3rd एरे में रखेगा और उस 3rd एरे को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक और एरे डिक्लेयर करेंगे जो कि 2D एरे होगा
और उसको हम कर देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट, क्योंकि हमें दो 2D एरे का सम जनरेट करना है और वो 2x2 की है, तो जो थर्ड एरे होगा वो भी 2x2 का होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका साइज 2x2 कर दिया। और फिर यहाँ पे हम 2x2 को कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, अगेन 2 फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 फॉर लूप लगा लेते हैं। ठीक है, आई इज लेस देन A1 की जगह जो फर्स्ट एरे है एर डॉट गेट लेंथ एंड सिमिलरली एर डॉट गेट लेंथ। और हम जो थर्ड एरे है रिजल्ट वो कैसे कैलकुलेट करवाएंगे, रिजल्ट की वैल्यू कैसे स्टोर करवाएंगे, रिजल्ट ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले 2D एरे का हमने सम किया था बिल्कुल सेम वही काम है, बस सिर्फ हम अब हम ये काम हम मेथड ऑफ फंक्शंस के थ्रू करवा रहे हैं। रिजल्ट ऑफ आई जे इज इक्वल टू जो फर्स्ट एरे पास हो रहा है एर वाला, यहाँ के लोकल वेरिएबल में एर आई कॉमा जे, प्लस किससे प्लस करना है, जो सेकेंड एरे पास हो रहा है जो कि लोकल वेरिएबल एरे 2 में स्टोर हो रहा है, एरे 2 का आई कॉमा जे, ये हमारे पास सम आ जाएगा। ये हमने फॉर लूप में ये काम कर दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न जो हमारे पास नया एरे है जो कि रिजल्ट है, रिटर्न रिजल्ट। इसी तरह एरे जब रिटर्न होता है तो रिटर्न होते वक्त भी जस्ट एरे का नाम आता है, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आते। ठीक है, जब हमने रिजल्ट यहाँ से रिटर्न किया तो रिजल्ट ऑलरेडी एक 2D एरे है, तो ये पूरा का पूरा 2D एरे रिटर्न कर देगा जो यहाँ हमने मेंशन किया है कि ये सम 2D का एरे क्या रिटर्न करेगा, एक 2D एरे रिटर्न करेगा जिसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। अब ये रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था, यहाँ पे सम 2D एरे जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेकर गया था, दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने एक थर्ड एरे बना लेते हैं, यहाँ पे इंट सम इज इक्वल टू न्यू इंट, वो भी 2x2 का ही होगा। और यहाँ पे हम उसको सम जो आ रहा है हमारे पास सम 2D के एरे पे कॉल, हमने इसको कर दिया सम। अब मुझे सम को प्रिंट करवाना है, तो सम को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट यूज करेंगे। सिंपल एरे फॉर्म में ही प्रिंट करवाना है, सो कंसोल डॉट राइट हम प्रिंट करवा देंगे सम आई कॉमा जे। और फर्स्ट जो हमारे पास इनर लूप है उसके बाद हम क्या प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, ये भी हमारे पास 2D एरे सम की। और हम चाह रहे हैं कि हम ए और बी जो हमारी दो A1 और A2 है उसको भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एरे फॉर्मेट में, तो उसको भी हम मेन में प्रिंट करवा देते हैं ताकि जब सम आए तो हमारे पास प्रॉपर वैल्यूज आए। ठीक है, सम को प्रिंट करवाने से पहले हम क्या कर देते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट एरे 1 का आई कॉमा जे एलिमेंट और इनर लूप के बाहर कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसी तरह हम A2 भी प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। पहले ये मुझसे A1 के 4 एलिमेंट्स इनपुट लेगा, तो हम इसको इनपुट देते हैं 1, 3, 5, 7 और नंबर। ठीक है, 4 है क्योंकि 2x2 है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो 2x2 एरे साइज वुड बी 4, यानी कि 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स है। फिर अब ये मुझसे सेकेंड एरे जो A2 है उसके 4 एलिमेंट्स मांगेगा। लेट सपोज मैंने 2, 4, 6 और 8 दे दिया, जैसे ये दो एरेज में मैंने इनपुट दे दिया, ये क्या करेगा, सम 2D एरे में ये दोनों एरे पास कर देगा, और सम 2D एरे क्या करेगा, इन दोनों का सम एक थर्ड एरे में स्टोर करेगा और उस थर्ड एरे को रिटर्न कर देगा मेन में। अच्छा, हमारे पास
रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन हमने स्पेस नहीं दी इसलिए ये हमें एक साथ शो कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवा देते हैं A1 में, A2 में, ताकि हर एलिमेंट के बाद हमारे पास एक स्लैश टी दे दें आप, या आप सिंपल वाइट स्पेस दे दें, स्लैश टी कर दें, या आप इस तरीके से एक स्पेस भी दे सकते हैं। इसी तरह जब हम थर्ड सम वाला प्रिंट करवा रहे हैं उस पर भी हम प्लस स्लैश टी। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 3, फर्स्ट एरे में हम 4 एलिमेंट स्टोर करेंगे 7, सेकेंड एरे में 2 4 6 8। ठीक है, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। फर्स्ट एरे प्रिंट हो गया 1 3 5 सेकेंड, सेकेंड एरे प्रिंट हो गया 2 4 6 8, और जो रिजल्ट है उसका, वो रिजल्ट क्या करेगा, एरे 1 के फर्स्ट एलिमेंट को एरे 2 के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करवाएगा, 1 प्लस 2 3, और उसको कहाँ रख देगा, एरे 3 के फर्स्ट एलिमेंट, ये 3। फिर क्या करेगा, एरे 1 का सेकेंड एलिमेंट को एरे 2 के सेकेंड एलिमेंट से ऐड करेगा, 4 प्लस 3 7, और कहाँ स्टोर कर देगा, जो रिजल्ट वाला एरे है उसके सेकेंड एलिमेंट से। फिर क्या करेगा, एरे 1 का जो थर्ड एलिमेंट है उसको एरे 2 के थर्ड एलिमेंट से स्टोर कर ऐड करेगा, 6 प्लस 5 11, और जो नया एरे है उस पर थर्ड एलिमेंट पे स्टोर कर देगा। फिर क्या करेगा, फर्स्ट एरे का जो लास्ट एलिमेंट है 7, उसको सेकंड एरे के लास्ट एलिमेंट से ऐड करेगा, 8 प्लस 7 15, और 15 को कहाँ स्टोर कर देगा, थर्ड एरे का लास्ट एलिमेंट। और ये सारा काम हमने जैसे किया, हमने ये सारा काम थ्रू फंक्शन किया है। जी क्लियर है यहाँ तक? जो अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको 2D एरे पे ऐड करना बताया था, बिल्कुल हमने सेम वही काम किया है, बट वो सेम काम हमने अब फंक्शंस के थ्रू किया। एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने मेन मेथड के अंदर 2 2D एरे डिक्लेयर किए हैं 2x2 साइज के, और फिर उसके बाद मैंने एक थर्ड एरे डिक्लेयर किया सम, जो उन तीनों दोनों का रिजल्ट रखेगा। 1x1 दोनों एरे में मैंने यूजर से इनपुट लिया यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, एरे 1 के एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लिए, इसी तरह एरे 2 के एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लिए, और इनपुट लेने के बाद मैंने A1 को भी प्रिंट करवा दिया और मैंने A2 को भी प्रिंट करवा दिया। ये सारा काम मेन से किया है हमने। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सम 2D का फंक्शन में A1 और A2, ये दोनों जो मेरे एरेज हैं जो मैंने यूजर से इनपुट लिए हैं जिसको प्रिंट करवाया है, A1 और A2, सम 2D के फंक्शन में पास कर दिए। सम 2D के फंक्शन में मैंने डिक्लेरेशन कैसे की, जैसे सम 2D में A1 और A2 पास होगा तो मेरा प्रोग्राम फौरन सम 2D एरे की डेफिनेशन में चला जाएगा, और मेन से निकल के सम 2D एरे की डेफिनेशन में जाएगा और दो एरे पास कर देगा उस फंक्शन में A1 और A2। तो मेरा प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, यहाँ से सम 2D एरे में, और यहाँ पे एर का जो लोकल वेरिएबल है उसमें एरे 1 स्टोर कर देगा, और एर 2 का लोकल वेरिएबल जो एरे है उसमें A2 स्टोर कर देगा जो पास हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने एक थर्ड एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज मैंने सेम 2x2 का रखा, और उस थर्ड वैल्यू के एरे की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की, रिजल्ट ऑफ आई जे अगेन नेस्टेड लूप लगाए, और एरे के जो एलिमेंट्स हैं एरे 1 ये वाला एरे जो A1 का एलिमेंट था, और ये वाला एरे 2 में जो A2 के एलिमेंट थे, उसके आई जे को मैंने प्लस करवा दिया एरे 2 के आई जे से, और प्लस करवा के रिजल्ट ऑफ आई जे में स्टोर करवा दिया। और फिर एट दी एंड मैंने जो ये थर्ड वाला एरे है इसको रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था कि ये वाला फंक्शन एक 2D एरे रिटर्न करेगा, जो कि ये रिजल्ट है ये इसने रिटर्न कर दिया। ये जैसे ही रिटर्न करेगा वहाँ पे मेन में जहाँ से ये मेथड कॉल हुआ था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सम के नाम का एक एरे डिक्लेयर किया है 2D एरे, जो ये रहा सम का 2D एरे। मैंने सिंपल वहाँ पे क्या कहा कि सम 2D एरे, जो सम लेकर एक थर्ड एरे लेकर आ रहा है, उस थर्ड एरे को यहाँ सम के एरे में स्टोर कर दो, और इस सम के एरे को मैंने प्रिंट करवा दिया। जी यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल?
जी क्लास कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एरे मेथड में इवन और ऑड नंबर कैसे निकलेंगे? अच्छा लेट सपोज मैंने ये तो सिंपल 1D एरे से हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन है मानूर का कि हम मेथड से एरे के इवन और ऑड नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है तो इसके लिए हम ठीक है लेट सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर की A1, उसमें मैंने क्या वैल्यू दे दी, न्यू इन 5 एलिमेंट दे दिए और इसमें मैंने कहा कि क्या वैल्यू थी 1, 2, 3, 4, 5। मैंने एरे को साथ साथ इनिशियलाइज करवा दिया। आप चाहें तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन कंसोल डॉट राइट लाइन A1 को प्रिंट करवा देते हैं A1 ऑफ आई। ठीक है ये मेरे पास हो गया कंसोल डॉट राइट लाइन ए ऑफ आई। इसके बाद हमने सम वाले एरे में इसको पास कर देते हैं, हम टू डी एरे हटा देते हैं, हम कह देते हैं इवन ऑड। ठीक है मैंने मेथड फंक्शन का नाम इवन ऑड कर दिया और इसमें मैंने कहा कि एरे वन पास हो जाए A1 और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ठीक है यहाँ पे हम इवन ऑड पे आते हैं, अभी इसको फिलहाल जस्ट वॉइड करते हैं। फंक्शन का नाम मैं चेंज कर चुकी हूँ इवन ऑड टू इवन ऑड हो जाएगा और यहाँ पे एक सिंपल एरे पास हो जाएगा इंट ए, इसको एरे कर देते हैं हम। अच्छा अब हमने करना क्या है, हमने इवन और ऑड का काउंट प्रिंट करना है कि ये जो एरे को इवन और ऑड वाले मेथड में ये जो हमारे पास एरे पास हो रहा है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ इवन कितने हैं और ऑड कितने हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, एक फॉर के लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस और यहाँ पे हम एक इंट ठीक है यहाँ पे हम एक ले लेते हैं इंट इवन इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम एक काउंट ले लेते हैं ऑड का इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ ए एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई से ये क्या उठाएगा 0, एरे ऑफ 0 जो एरे इसमें पास हुआ है उसका 0 एलिमेंट जो कि क्या पास हुआ है 1। सो ये चेक करेगा इफ एरे ऑफ 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या करो, इवन में प्लस कर दो नहीं तो प्रिंट कर दो एल्स ऑड प्लस प्लस। ठीक है और एट द एंड ऑफ फॉर लूप क्या प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन इवन नंबर्स का काउंट क्या है हमारे पास, कितने इवन नंबर हैं इस एरे में प्लस इवन, इसी तरह ऑड को प्रिंट कर देंगे। ऑड नंबर काउंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास ऑड। ठीक है इसको रन कर देते हैं। ठीक है एरे प्रिंट हो गया 1, 2, 3, 4, 5 इवन नंबर्स काउंट 2, दो इवन नंबर है हमारे पास 2 और 4 और हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं 1, 3 और 5।
ठीक है, आप चाह रहे हैं कि साथ साथ आपके पास इवन नंबर भी प्रिंट हो जाए, तो आप क्या करें, प्रिंट करवा दें कंसोल डॉट राइट लाइन एरे ऑफ आई प्लस इज इवन। ठीक है, साथ साथ ये भी प्रिंट हो जाएगी जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। कंट्रोल वी कंसोल डॉट राइट लाइन एरे ऑफ आई इज ऑड, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या इसने कर दिया, वन इज ऑड, टू इज इवन, थ्री इज ऑड, फोर इज इवन, फाइव इज ऑड। सो एज अ प्रोग्रामर आप जितनी मॉडिफिकेशन अपने कोड में करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। बेटा ये आपकी मर्जी है, मैंने हार्ड कोड पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। मैंने कहा है कि आप इसको यूजर से इनपुट लेना चाहें तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। हाँ, अगर आप 100 तक वैल्यू देना चाह रहे हो तो एरे का साइज 100 रखोगे और 100 टाइम्स आपको इनपुट लेना पड़ेगा। इसमें मैंने बस लूप के अंदर प्रिंट करवा दिया है कि अगर एरे ऑफ आई जो एलिमेंट है, यानी कि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट कर दो कि वो नंबर इवन है, नहीं तो प्रिंट हो जाए कि वो नंबर ऑड है। लॉजिक वही है, उस लॉजिक के बेसिस पे हमने कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट लगा दी। परसेंटेज लेनी है मतलब एवरेज या काउंट लेना है? हाँ, तो एवरेज कैसे निकलेगी, ये जो आपके पास काउंट आ रहा है ऑड का, आप उस ऑड को टोटल नंबर से डिवाइड कर दो तो उसकी एवरेज आ जाएगी। लेट सपोज अगर मेरे पास 5 नंबर है और ऑड उनमें से 3 दफा ऑड नंबर आ रहा है तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 / 5 × 100 तो परसेंटेज आ जाएगी कि कितने परसेंट नंबर जो है वो ऑड है हमारे पास। लेट सपोज मैं यहाँ पे करके देख लेती हूँ क्योंकि एवरेज हमारे पास फ्लोट में आ सकती है, तो हम कर देते हैं ऑड एवरेज इज इक्वल टू जो ऑड हमने कैलकुलेट किया है इंटीजर डिवाइडेड बाय 5 जो कि एरे का साइज है, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। उसको आप मल्टीप्लाई 100 कर दें तो वो परसेंटेज आ जाएगी। ये तो छोटी छोटी लॉजिक से है तो आप वो खुद भी कर सकते हैं। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? ओके जी तहरीम फातिमा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे ये पूछना था फाइल हैंडलिंग जो है, फाइल स्ट्रीम मैम, वो जस्ट मेंशन करके दिखाना है आपको, जस्ट वन मेथड और कहीं भी, या पूरे प्रोजेक्ट में हमें यूज करना है फाइल? पूरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट रीड राइट और सर्च ऑपरेशन आपके प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं यूज हो रहा हो। फाइल से रीड, फाइल पे रीड करवा दें, फाइल फाइल पे राइट करवा दें, कुछ सर्च करके दिखा दें कि ये चीज फाइल में हमारे पास मौजूद है बस। ओके मैम, ओके मैम, थैंक्स। पता नहीं मैंने अभी पेपर बनाया नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये हमने आज ये भी देख लिया कि एरे हम कैसे पास करते हैं, दैट इज रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, रिकर्जन हमारे पास रिकरिंग टास्क का मतलब क्या है, एक चीज जो बार बार हो रही हो। सो रिकर्जन हमारे पास एक ऐसा मेथड या ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा हो। अभी तो हमने देखा ना कि मेन से हम किसी मेथड को एक दफा कॉल करते हैं, वो मेथड अपनी सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करता है और फिर दोबारा मेन में चला जाता है। रिकर्जन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें एक मेथड अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। अभी तो हमने ये देखा ना कि एक मेथड को हम कॉल कहाँ करवाते हैं, मेन से, लेकिन रिकर्जन इज अ प्रोसेस इन विच अ मेथड कॉल इटसेल्फ, एक मेथड अपने आप को ही कॉल कर रहा है।
अच्छा लैब में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है क्लास? लैब में क्या क्या चीजें कवर हो चुकी हैं? जी इब्राहिम मौजूद है हमारे पास सीआर क्लास के, या मोइस हैं? लैब 12 कहाँ तक है? अच्छा लैब में सिर्फ 2D एरे तक पढ़ा आपने? अच्छा यस मैम यस। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास रिकर्जन है। रिकर्जन नहीं पढ़ी लैब में आप लोगों ने? चलो रिकर्जन हम अभी यहाँ थ्योरी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिकर्जन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मेथड हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेथड कोई भी मेथड जब अपने आप को कॉल कर रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि दैट मेथड इज अ रिकर्सिव मेथड। रिकर्जन मींस अपने आप को रिकरिंग टास्क। अभी आपने सुना है रिकरिंग टास्क का वर्ड, अक्सर नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज कर रहे होते हैं रिकरिंग टास्क, ऐसा टास्क जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मेथड एक कोई भी ऐसा मेथड जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, उस मेथड को हम कह रहे हैं कि वो एक रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ मेथड मेक्स अ कॉल टू इटसेल्फ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड अपने आप को ही जो है वो कॉल कर रहा है। अ रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। रिकर्सिव फंक्शन कौन सा फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। अ फंक्शन दैट कॉल्स अनदर फंक्शन इज नॉर्मल। अभी हमने क्या देखा है कि हम मेन जो एक मेथड है, मेन से हम कोई भी मेथड कॉल करें, इट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर जो आज तक हम जैसे करते आ रहे हैं, एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करना। लेकिन जब कोई फंक्शन या कोई मेथड अपने आप को ही दोबारा से कॉल करवा रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इन्होंने एग्जांपल क्या दिया है, क्रिएट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम n टू m रिकर्सिवली। लेट सपोज मेरे पास n और m की रेंज में कुछ नंबर्स हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि n 1 है और m 5 है, तो n टू m तक जितने भी नंबर हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इन सब नंबर को हमें ऐड करना है। 1 में 2 ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 3 ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 4 ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 5 ऐड करना है। ठीक है, तो उसका हम कोड कैसे करेंगे? उसका हम कोड ऐसे करेंगे, मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अगर ये काम हम सिंपल करें, सिंपल मेथड से, तो ये कैसे होगा जो आज तक हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं? अच्छा मैं प्रोजेक्ट का अभी बता दूंगी कि प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कैसे होगी। पहले हम टॉपिक कंटेंट्स कवर कर लें अपने कोर्स के, फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कैसे होगी। ठीक है, सो अभी अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि एक सिंपल मुझे ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे n से लेकर m तक एक सीरीज है नंबर्स की, ठीक है, मुझे उनका सम जनरेट करना है थ्रू मेथड, ये कैसे करेंगे हम? जरा अपने पास सब सॉल्व करके बताएं जरा। ठीक है, मेन में आप दो नंबर इनपुट लें, एक स्टार्टिंग रेंज एक एंडिंग रेंज, और उन दो नंबर्स को मेथड में पास कर दें, और आपका मेथड उन दो नंबर जो आपने पास किए हैं उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका सम जनरेट करके प्रिंट करवा दे आपका मेथड। तो ये टास्क जरा मुझे करके बताएं ये कैसे होगा। जी क्लास शाबाश हरियाब।
जी टास्क आपका ये है कि मेन मेथड से आपने दो नंबर इनपुट लेने हैं मेन मेथड में, दो सिंपल नंबर्स, एक स्टार्टिंग नंबर होगा एक एंडिंग नंबर होगा, और वो दोनों नंबर्स मेथड में पास कर देने हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और मेथड जो दो नंबर आपने पास किए हैं उसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उस रेंज के अंदर, स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज के अंदर, उन तमाम नंबर्स का सम जनरेट करके आपको प्रिंट करवा दे वो मेथड। लेट सपोज अगर फर्स्ट नंबर मैंने 5 दिया और सेकंड नंबर मैंने 10 दिया है, तो ये 5 और 10 मेथड में पास होंगे, और मेथड 5 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब नंबर्स को ऐड करके सम बता दे। 5 + 6 जो रिजल्ट आए उसको 7 में ऐड करे, जो रिजल्ट आए उसको 8 में ऐड करे, जो रिजल्ट आए उसको 9 में ऐड करे, जो रिजल्ट आए उसको 10 में ऐड करके रिजल्ट बता दे। मतलब यूजर ने जो रेंज दी है उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आपका मेथड उनको ऐड करके सम जो है वो प्रिंट करवा दे। जी 5 मिनट है आप लोगों के पास, ये टास्क जरा मुझे सॉल्व करके बताएं कि ये कैसे होगा। अभी इसमें रिकर्जन यूज नहीं करी, सिंपल जिस तरह हम अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। बोनस मार्क्स है इसके। मैं टास्क यहाँ पे लिख दूँ व्हाइट बोर्ड पे। जी टास्क मैंने जो है व्हाइट बोर्ड पे राइट कर दिया है। बोनस मार्क्स हैं इसका, जिस स्टूडेंट ने सही किया उसको बोनस मार्क्स मिलेगा, जिन 3 स्टूडेंट्स ने पहले सही करके सबमिट करवा दिया। सबमिट कैसे कराएंगे, यही जूम के चैट सेशन में प्राइवेटली। मैम जी बोलें। मैम जी क्या लिखा है, सेकंड लाइन पे एंड पास बोथ न्यूबर्स नंबर या नंबर्स प्रिंटिंग हो गई, इसमें तो सम बोथ नंबर्स टू मेथड एंड मेथड विल प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कम अंडर रेंज, यानी कि जो दो नंबर्स आपने पास किए हैं उस नंबर की रेंज में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम जनरेट करेगा आपका मेथड। ओके 3 मिनट हो गए, अब लास्ट 2 मिनट्स रह गए। जी किसी स्टूडेंट ने सॉल्व किया ये?
हेलो जी स्टूडेंट्स, इसी सेम मीटिंग में सेंड करना है चैट में 2 मिनट बिफोर एंडिंग द मीटिंग. 4 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, सो एग्जैक्टली आपके पास 2 मिनट रह गए. जी स्टूडेंट्स लास्ट 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा. अच्छा मानूर, आपने जो सेंड किया यहाँ पे सम इज इक्वल टू एक ए प्लस बी नहीं होगा. सम इज इक्वल टू सम प्लस लूपिंग वेरिएबल होगा जो आपने लूपिंग वेरिएबल रखा है. अच्छा और किस किस ने सेंड किया है? और मोहम्मद हमजा ने सेंड किया है सम मीन इन जे सम इज इक्वल टू 0 फाइंड द सम ऑफ पॉइंट्स इन मैच फंक्शन. नहीं हमजा ये ऐसे नहीं होना था, मेथड के थ्रू होना था. मोहम्मद हसन खान ने सेंड किया नम1 नम2 इन टोटल इज इक्वल टू. नहीं हसन ऐसे नहीं होना था. ये मानूर का लिटिल बिट काफी बेटर है. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम मैंने कर लिया है. सेंड कैसे करना है मैम इसको? जूम के चैट सेशन पे प्राइवेटली सेंड कर दें मैम. यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा बेटा. बाकी स्टूडेंट्स तो कर रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन मुझे नहीं पता. मोहम्मद मुतसम का टास्क भी आ गया है. दो नंबर्स का सम नहीं निकालना क्लास, जो रेंज पास हुई है उस रेंज का सम निकालना है. लेट सपोज अगर यूजर ने फर्स्ट नंबर 1 और सेकंड नंबर 5 दिया है तो 1 प्लस 5 नहीं करना. 1 से लेकर 5 तक जितने नंबर्स आ रहे हैं उन सबको आपस में ऐड करना है. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. एनीहाउ अब टास्क का टाइम खत्म हो गया. ठीक है मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन ज्वाइन करेंगे.